आज के दिन 1561 में अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हराया था। 1857 में आज के दिन कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने पहली गोली चलाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। अंग्रेजी सेना ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और बाद में मुकदमा चलाकर फांसी दे दी। उस समय सेना में लाए गए नए एनफील्ड राइफल और कारतूस को लेकर सिपाही मंगल पांडे ने विरोध जताया था। आज के दिन 1901 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार संघीय चुनाव हुआ। ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशों ने एक जनमत संग्रह के द्वारा एक संघ के रूप में एकजुट होने के लिए मतदान किया और आधुनिक ऑस्ट्रेलिया अस्तित्व में आया। 1932 में आज के दिन अमेरिका में जैक बेनी ने पहली बार रेडियो पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1943 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता शहीद लक्ष्मण नायक को बहरामपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। 1951 में आज के दिन चीन ने कोरिया में एक संघर्ष विराम के लिए मैक ऑर्थर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आज के दिन 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का उद्घाटन किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार हेतु एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। सुविख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एच एपलबी की सोच पर आधारित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित और संवर्धित यह संस्थान लोक प्रशासन और प्रबंधन में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु एक प्रमुख केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। 1963 में आज के दिन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का निधन हुआ था। सियाराम शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव रहा है, इसलिए उनकी रचनाओं में करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में भी उन्होंने कथा साहित्य में भी अपना स्थान बनाया। 1967 में आज के दिन फ्रांस ने पहली बार अपनी परमाणु पनडुब्बी की शुरुआत की थी। 1992 में आज के दिन विशेषज्ञ समिति ने बिहार से झारखंड क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त परिषद की सिफारिश की। आज के दिन साल 2001 में अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग पर किए गए क्योटो संधि को मानने से इनकार कर दिया था। 2004 में आज के दिन आयरलैंड कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बना। आज के दिन साल 2008 में दुनिया के 370 शहरों ने पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मानने की शुरुआत की।